बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर एक बड़ा अपडेट दे देते हैं कि बहराइच में जारी भेड़ियों के आतंक के बीच में कई जिलों में सीआर के हमले भी लगातार सामने आ रहे हैं। सीआर के हमलों की खबरें भी आ रही हैं सामने। मिर्जापुर में सीआर ने हमला करके 7 लोगों को घायल कर दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हलिया थाना इलाके के कुसियरा गाँव की ये घटना बताई जा रही है। हमले में छोटे बच्चे घायल हुए हैं। सीआर के हमले में लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, छोटा बच्चा देखिए, सीआर ने अटैक इस पर किया है, बच्चा घायल हो गया है। सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं, कई और लोग हैं जो सीआर के हमले में घायल हुए हैं। तो सारे उसमें जो पहला बच्चा आया था छोटा, उसकी नाक पे कटा हुआ था, ज्यादा घाव था जी। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग करके ईएनटी के लिए कहा था, आज ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखा लें जी। और सारे लगभग नॉर्मल थे, काटा तो सबको था सीआर, उनको सबको बाकायदा ईआरवी इंजेक्शन टीटी डाइक्लोनेक देके एंटीबायोटिक वगैरह देके यहाँ से फिनिश करके इसके बाद दवाइयाँ देके घर भेजती। अमित गर हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सुमित, देखिए एक तरफ बाघ जो लोगों में डर बनाए हुए है, दूसरी तरफ सीआर जो अब लोगों में और डर बना रहा है, और बहराइच में तो भेड़िए पकड़ में आ ही नहीं रहे हैं। तो इस समय मिर्जापुर में जो सीआर ने लोगों पर अटैक किया है, इस पर अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए, कितने लोग घायल हुए हैं, कैसी उनकी हालत है, और क्या पकड़ में सीआर आया है नहीं? देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय चाहे आदमखोर भेड़िए की बात करें, चाहे सीआर की बात करें, कई ऐसे जानवर है जिसपे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो परेशान है, रात जगह कर रहे हैं। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में आदमखोर सीआर ने 7 लोगों पे हमला किया है। वो देर रात को ये हमला था जिसमें 4 मासूम बच्चे थे जो लगभग 4 से 5 साल के 7 साल की उम्र रही है। ये बच्चों पे अटैक ज्यादा कर रहा है। ऐसे में जो पूरा क्षेत्र है वो दहशत में है। और जब मैंने डीएफओ से इस पे बात की कि इस तरह के जब हमले हुए हैं, ऐसे में प्रशासनिक क्या व्यवस्था की गई है, तो उन्होंने बताया कि हमने पूरे गाँव को अलर्ट कर दिया है कि ये हमला और न बढ़े, और चारों तरफ मतलब उसकी खोजबीन की जा रही है कि वो सीआर कहाँ पे है, क्या वो आदमखोर हो चुका है वो सीआर। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन तो मिर्जापुर में भी अलर्ट हुआ है कि वो दूसरी बहराइच की तरह ऐसी कोई बड़ी घटना ना मिर्जापुर में हो जाए, तो इस पर प्रशासन भी सतर्क है। वही ग्रामीणों में बड़ी दहशत हो गई है कि कहीं ये बहराइच की जब से घटना हुई है, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के हमले देखने के बाद ग्रामीणों में जो दहशत है। ठीक है सुमित, नजर बनाए रखिए इस खबर पर आप। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। पीलीभीत में बाघ और तेंदुए की दहशत के बीच अब यहां भी सीआर का आतंक बढ़ गया है। जहानाबाद के सुसवार और पंसौली गांव में सीआर के हमले में 7 लोग घायल हुए, घायलों में 3 मासूम बच्चे हैं। सीआर के हमले की घटनाओं से इलाके में हड़कंप है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पहली घटना सुसवार गांव में हुई, जबकि दूसरी घटना पड़ोस के ही गांव पंसौली में हुई है। ऐसी लिख रही, अच्छा तो जाके हमारे लोग काट लो, एकदम लिपट गई आए कहे। किसने काट लिया? भुड़िया ने। सुबह मॉर्निंग में समथिंग 5 बजे के 7 लोग हैं जिनको काटा है। गीदड़ ने, अंदेशा गीदड़ का है जो जैसा वो बता रहे हैं लोग। क्या ट्रीटमेंट दिया गया है इन सभी को? टिटनेस का और रेबीज का वैक्सीनेशन कर दिया गया है, और जिनको ज्यादा दिक्कत है उनको जिला अस्पताल भेजा गया है एंटी रेबीज सीरम के लिए। बताया जा रहा है खुशी नाम की बच्ची है, खुशी को भेजा है और पंकज को भेजा है, दोनों को। हाँ, स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, वैक्सीनेशन सबको लग गया है। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। सर्वेश, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? परवेश, पिछले 3 दिनों में तकरीबन 13 से 14 लोगों के ऊपर सीआर के हमले हुए हैं। तो हमले ये पूरनपुर क्षेत्र में हुए हैं। परसों एक हमला हुआ था जिसमें 3 लोग घायल थे, कल एक हमला हुआ जिसमें 2 लोग घायल थे, आज जहानाबाद थाना क्षेत्र में हमला हुआ है जिसमें 8 लोग घायल हैं। यानी कि कुल मिला के 3 दिन में 13 लोग सीआर के हमले में घायल हो चुके हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, ये वहां पर जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल दहशत का तो माहौल एक बना ही हुआ है कि लोगों में बहराइच के भेड़िए। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।
और ये बढ़ रहे हैं आगे, आपको बता देते हैं कि बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया तो चल रहा है, लखीमपुर खीरी में भी ऑपरेशन बाघ चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर बाघ की चहलकदमी ने वन विभाग की नींद को उड़ा रखा है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में बाघ के पैरों के निशान देखे गए हैं। दिन में बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत रहती है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए हैं, 44 कैमरों से निगरानी की जा रही है। वन विभाग का मानना है कि बाघ 5 किलोमीटर के एरिए में घूम रहा है। शासन ने बाघ को ट्रैकलाइज करने के आदेश दिए हैं। 27 अगस्त को इस बाघ ने एक लड़के पर हमला करके उसे मौत की घाट उतार दिया था। अब करीब एक महीने में इस इलाके में जंगली जानवरों के हमले, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये लोगों के लिए सबसे बड़ी दहशत बन चुका है बाघ। वन विभाग लगातार इस बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है। कृपा से कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम लोग लगे रहे रात भर। हाँ। और दोनों पक्ष सोचिए ना। हाँ। कि पकड़ना भी है, बचाना भी है। हाँ जी। तो जब दिखेगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो पकड़ में भी आ जाएगा जी। तो क्या क्या साइंटिफिक तरीके आप लोग अपना रहे, कैसे कैसे जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं भेड़ियों को, कैसे कैसे साइंटिफिक तरीके अपनाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोगों को एक लमसम आइडिया इतने दिन से ऑपरेशन में हो गया है कि वो कहां कहां उसकी लोकेशन में। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं, बहराइच से सीधे रुख करेंगे उमेश की तरफ। उमेश, हम डीएफओ ऑफिसर से आपकी बातचीत अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि देखते ही भेड़िये को शूट करना है, क्योंकि यहां पर लोगों की जिंदगी के ऊपर ये भेड़िये भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक भेड़िये हाथ में नहीं लग पाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। आज की अपडेट दीजिए, और किस रणनीति के तहत अब इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए आगे काम किया जा रहा है, इस पर भी जानकारी दें। यह देखिए, बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। जल जंगल जमीन में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ट्रैकिंग की जा रही है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, तमाम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के सहारे उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। इतना सारा सिस्टम होने के बावजूद भी ये भेड़िये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने साइंटिफिक तरीके से उसको पकड़ने की जुगत लगाई जा रही है, जाल बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है कि कहां हो सकता है, पग चिन्हों के सहारे उसकी निगरानी की जा रही है कि वो किस इलाके में हो सकता है, इसके बावजूद भी उसको ट्रैक नहीं किया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है नवन गरेठी गांव में। ये वो गांव है जहां भेड़िया ने डबल अटैक किया था। इस घर पर भेड़िया ने डबल अटैक किया था। 2 बार भेड़िया इस घर में आया है, 1 बार 2.5 साल की अंजलि को उठाकर ले गया और दूसरी बार फिर से आया। तब ये लोग उस वक्त सो रहे थे और 2.5 वर्ष की अंजलि को उठाकर ले गया, जैसे ये बच्चे सो रहे हैं इस वक्त आप चारपाई में देख रहे हैं। ऐसे ही अपनी मां के साथ उनकी बेटी अंजलि सो रही थी और एकदम से भेड़िया आता है, सुबह 4 बजे के आसपास इस घर में अटैक करता है और अंजलि की गर्दन को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। और यहां पर देखिए, ये वो घर है, ये वो तखत है जहां पर इस बेटी यहां पर लेटी हुई थी अपनी मां के साथ। और मां बदहवास आज भी है, उस पल को याद करके सिहर उठती है जब भेड़िये ने इस घर में डबल अटैक किया था। और यकीनन हम अंजलि की माँ से बात कर लेते हैं। माता जी, आप क्या कहेंगे? उमेश, वाकई में देखिए, बड़े तो समझदार हैं, लेकिन छोटे बच्चे आखिर घर के अंदर पूरा समय बिता रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो भेड़िये का डर है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है, लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन बाघ भी हमने आपको दिखाया कि लगातार चल रहा है। एक बार फिर से बाघ की चहलकदमी वन विभाग के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। और फिलहाल हम आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं, बाघ के पैर के निशान एक बार फिर से देखे गए हैं। बाघ के पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए गए हैं। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर इस वक्त की। इस समय लखीमपुर खीरी के उसी गांव में मौजूद है, ये इमलिया गांव है जहां टाइगर का आतंक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विजुअल है, अभी कुछ समय पहले ही टाइगर यहां से गुजरा है। आप देख सकते हैं, ये विजुअल है, ये विजुअल आप साफ देख सकते हैं। इसमें ये पंजा है, ये बिल्कुल खुला हुआ पूरा पंजा दिखाई दे रहा है। तो जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पंजा खुला हुआ जब होता है, जब टाइगर भूखा होता है। तो इस समय जो बताया जा रहा है, जानकार लोग का कहना है कि इस समय वो उसमें अपने शिकार पे मौजूद है और लगातार
अब 3 दिन से पहले उन्होंने बकरियों को शिकार किया था, लेकिन उसके बाद कोई शिकार नहीं किया था। लाइक जो पंजे के निशान देखे गए थे, उसमें जो उसके पंजे जो खुले हुए हैं, लगातार नाखून खुले हुए हैं, तो जानकार लोगों का कहना है कि अब वो शिकार पे निकला। कहीं ना कहीं लगातार इस इलाके में दहशत बाग की बनी हुई है और लगातार इसी रास्ते को जो इख्तियार किया है, इसी रास्ते में लगातार अब 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, लगातार इन्हीं गन्नों के बीच से गुजर के टाइगर जा रहा है, एक रूट उसने अपना लिया है।